आज हम बात करेंगे हैदराबाद की, आज जिसे आईटी हब कहा जाता है। लंबे समय से ये अपने स्वाद और पुरानी जगहों के कारण जाना जाता है। आज हैदराबाद के बारे में सब बताऊंगा, लेकिन चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हैदराबाद, पुराने निजामों से आईटी हब तक का सफर, एक शहर की कहानी। दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और विकास दोनों अपने अपने रंग में साथ साथ चल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद की गलियों, महलों और बड़े बड़े आईटी पार्क्स तक। आज हम देखेंगे कैसे ये शहर निजामों के दौर से लेकर आईटी हब बनने तक का सफर तय कर चुका है। हैदराबाद का इतिहास 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1551 में इस शहर की स्थापना की। गोलकोंडा फोर्ट उस वक्त एक जोरदार किला था और उसके पास एक नए शहर का सपना देखा गया, जो चार मीनार के आसपास बसाया गया। निजामों ने इस शहर पर राज किया और अपने दौर में हैदराबाद को दौलत और विरासत से अमीर बना दिया। चौमैला पैलेस और फरकनुमा पैलेस जैसे महल, उनका शानदार इतिहास आज भी हमारी यादों में है। हैदराबाद का पुराना दौर और आज का नया दौर एक दूसरे से काफी अलग है। जब एक तरफ पुराने हैदराबाद में आपको नैरो गलियां, हवेलीज और ट्रेडिशनल बाजार मिलते हैं, दूसरी तरफ नए हैदराबाद में आईटी पार्क्स, बड़े बड़े ऑफिसेस और शॉपिंग मॉल्स मिलते हैं। पुराना हैदराबाद अपनी विरासत और तहजीब के लिए जाना जाता था और आज का हैदराबाद एक टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सिटी के रूप में उभर रहा है। हाईटेक सिटी जैसे इलाके इस शहर को एक नया रूप दे रहे हैं। अगर आप हैदराबाद आए तो ये जगह जरूर देखें। चार मीनार हैदराबाद की जान है और सबसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट भी है। सलार जंग म्यूजियम में आपको रेयर आर्टिफैक्ट्स और हिस्ट्री का अनोखा खजाना मिलता है। रामोजी फिल्म सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ आके आप एक अलग ही दुनिया का अनुभव करेंगे। आप यहाँ जाकर इनके नज़ारे देख सकते हैं। हैदराबाद सिर्फ अपनी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के लिए नहीं बल्कि अपने स्वादिष्ट खाने के लिए भी फेमस है। यहाँ की हैदराबादी बिरयानी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। रमजान के दौरान स्पेशल हलीम यहाँ का एक खास डिश है। अगर आप यहाँ आए तो ईरानी चाय और उस्मानिक बिस्कुट का मजा लेना ना भूलें। हैदराबाद का खाना इस शहर की कल्चर और तहजीब का एक बड़ा हिस्सा है। पुराना हैदराबाद जहां अपनी तहजीब और विरासत के लिए जाना जाता था, वहां आज का हैदराबाद दुनिया के सबसे बड़े आईटी हब्स में से एक बन चुका है। हैदराबाद में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसे बड़े बड़े एमएनसीज का हेड ऑफिस है, जो इस शहर को ग्लोबल मैप पर सबसे अहम बनाता है। तो आइए कुछ मजेदार फैक्ट्स भी बताता हूं हैदराबाद के बारे में। क्या आपको पता है कि चार मीनार के चार मीनार अलग अलग डायरेक्शन में बने हैं ताकि हर तरफ से लोग इसे देख सकें। रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड है। ये शहर अपने आप में ही एक म्यूजियम है। हैदराबाद का आज का रूप एक ग्लोबल आईटी हब के रूप में दिखाई देता है। यहाँ आज बड़े बड़े ऑफिसेज, होटल्स और शॉपिंग मॉल्स हैं। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पुराना दौर और नई मॉडर्निटी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते हैं। इस शहर का सफर सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक लेसन है कि कैसे हम आपके विरासत को संभालते हुए नए दौर के साथ चल सकते हैं। अगर आप कभी हैदराबाद आए तो इस शहर को जरूर एक्सप्लोर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।